अहबाब गरेवाल, आपां पाणियां दे मुद्दे ते भी गल कर रहे हां। पाणियां दे मुद्दे नाल ही जुड़ी भी गल है जिस मामले ते आपां चर्चा कर रहे हां। जिदां संदीप ढिल्लों, तुसीं सुणिया कि आखिर जिहड़ा गया क्यों जहरीला पानी पी के पंजाब दे पुत जिहड़े हैगे आ अपनियां जानां गवा रहे आ। अज दे वड्डे इकट्ठ ने भी इह सुनेहा दित्ता है कि इस कतल दे लई सिद्धे तौर ते उस फैक्ट्री का मालिक जिम्मेवार है ते उस दे कतल का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये जिहड़ा माहौल बनया, जिस तरीके नाल स्थिति बनी भी है, आखिरकार सरकार नूं इस मामले का निपटारा करना होएगा, किवें देखदे हो अहबाब गरेवाल जी? जी सिद्धू साहब, देखो सब तो पहले तो जी बड़ी बदकिस्मत मौत हुई है नौजवान की, वह सारा अफसोस है। मैं आश्वासन दिना कि सरकार अपने वालों जो भी कदम चकने जरूरी होंगे चकेगी, उन्होंने मदद भी होएगी, परिवार की भी मदद होएगी, पहली गल। दूजी गल सिद्धू साहब, मैं लुधियाने रहना, बड़ी बदकिस्मती लुधियाने के बुढ़ा नाला लंघता जी। उदू साडे बजुर्गों वेले बुढ़ा दरिया किरिया जाता से साडे फादर साहब हुणी दसदे सी कि असीं उत्थे जा के मच्छियां भी फड़दे सी ते नहाउंदे भी सी, ते अज उह इक मौत दा नाला बन गया जी। उहदे आले दुआले जिन्ने ही इलाके शहरी जां पेंडू वसदे ने, कई पिंड तां कई घर इहो जिहे ने जिथे छे छे सत सत जी मर गए। एंड ये जिहड़ी इकल्ले जीरे की एक मुद्दे की गल नहीं हैगी, ये पंजाब दे ओवरऑल ग्राउंड वाटर नूं जहरीला बनन तो किसी ने कोई कष्ट ही नहीं किया रोकण का। बड़ी अनफॉर्चुनेट गल सी कि बड़ी रिस्पोंसिबली कई इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी किया, मैं सारे ते इल्जाम नहीं ला रहा, ते कई थावां ते आपां जदों जिस तरह की अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसिज सीगियां उन्होंने भी अपने ग्राउंड वाटर नूं जहरीला बनाउण च काफ़ी वड्डा एक योगदान दिता। तो कई थावां ते तां सीधा ही अणगहली हुई है जिथे सीधा ही गंदा पानी पाया गया। जिहड़ा जीरा जीरे का मुद्दा फैक्टरी का, क्योंकि माणयोग हाई कोर्ट विच इनवॉल्व है तो सरकार की एक लिमिटेशन है सर, पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि पंजाब के किसी भी एरिया जे आप ग्राउंड वाटर की सैंपलिंग कर लीए, मैं नहीं लगता कोई भी एरिया यहोजा होगा जिथे ग्राउंड वाटर सेफ होगा लोगों को। सो पंजाब सरकार वचनबद्ध है कि इस प्रॉब्लम नूं आपां जड़ तो खत्म करिए। हुण मान साहब ने एक मीटिंग हुई सी किसान जथेबंदियां नाल, जिथे उन्होंने कहा सीगा कि पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चो कंट्रोल कढ दित्ता जावे, ते ओह पंजाब पोल्यूशन बोर्ड है, यह महकमा बिल्कुल डिफंक्ट हुंदा सी पहलां, ते बाद चो यह महकमा इहो जिहा बन गया जिथे हर अधिकारी जाना चाहुंदा सी क्योंकि इह च कमाईआं कीतीआं जांदीआं सी, एंड इह कमाईआं पंजाब दे नौजवानां ते लोकां दी जानां ते खेड के कीतीआं जांदीआं सी। सो असीं इह कहिंदे आ कि कन्फ्रंटेशन नालों जे आपां सारे जणे रल के इस मुद्दे वाल चलीए, चाहे वह किसान है, चाहे वह इंडस्ट्री है, चाहे वह पोलीटल लीडरशिप है, क्योंकि पोलीटल विल हुण हैगी है, ते हुण असीं चाहुंदे कि एक बारी आपां पंजाब दे विच जिहड़ा एक बेसिक तरीका है इंडस्ट्री का एग्रीकल्चर का, जे उहदे च आपां कोऑपरेशन नाल चेंज लियावांगे तां अज जे शुरू होवांगे तां घट्टो घट 20 तों 25 साल लगणगे जी पंजाब दे विच ग्राउंड वाटर साफ करन नूं ते वाटर लैवल दे उत्ते लियाउण नूं। सो असी यह कोऑपरेट करके इस मुद्दे का हल करना चाहते हैं, तो असी बेनती करते हैं कि कन्फ्रंटेशन की बजाय जो आप रल के हल कर लिए तो बेहतर हल हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस बारे मैं जरूर कहूँगा कि जो भी कुछ बनती मदद होगी परिवार की, बच्चों की, उन्होंने वाइफ की, वो की भी जाएगी। तो बड़ा दुखद है कि पंजाब का एक नौजवान मरिया, पर पंजाब के कई नौजवान पिछले कई सालों तो इस गंदे पानी के एंड इस लालच की भेंट चढ़ते रहे। जी जी बिल्कुल।